और ये हम ऊपर ढक्कन दे देंगे, धुआं बाहर नहीं निकल। आज मैं बनाने लगी हूँ कोयला वाला कीमा, आई मीन के दम वाला कीमा, और एंड तक देखिएगा, बहुत मजेदार डिश है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी फ्रेंड? ठीक है, मैं हूँ आपकी अपनी महक मलिक, और मैं आज आई हूँ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज और अलहदा ये किस्म की रेसिपी लेकर आप सबके लिए। और जब रिश्तेदार आए और वो आप रेसिपी बनाएं तो सारे रिश्तेदार अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएं, और घर जाकर सारे रिश्तेदारों में आपकी तारीफ़ करें कि उनके घर गए थे, उनकी बहू ने, बेटी ने ऐसी लजीज हमें डिश खिलाई है। अभी तो मैं बता रही हूँ और मेरे मुँह में पानी आ रहा है। और अगर किसी का रिश्ता हुआ है और वो ये डिश बनाए, तो जब ससुराल वाले खाकर जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, पक्का हमारी तरफ से डन, इतनी अच्छी लजीज है। हाँ, तो मैं बात कर रही हूँ दम वाला कीमा, यानी कि कोयले वाला कीमा। ये जो आप कोयला देख रहे हैं ना, हाँ, ये मुँह काला करने के लिए नहीं, ये कीमे के अंदर डालने के लिए, क्योंकि आप कोयले वाले कीमा डाले। अब आप सोच रहे होंगे कि कीमे के अंदर कोयला डालेंगे तो सारा काला और ख़राब हो जाएगा। नहीं, यही तो मैं इसलिए तो कह रही हूँ कि अलहदा सी डिश है, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। अच्छा, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये हमने 3 टमाटर ले लिए हैं, छोटा सा अदरक ले लिया, और थोड़ा सा हमने 2-3 ये लहसुन की वो जो क्या उसको कहते हैं गुटलियाँ, और साथ में ये मिर्चें आप देख लें, 12-13 मिर्चें होंगी। साथ में ये प्याज ले लें, अभी इनको हम कूट लेंगे और कूट कर मसाला बना लेंगे, चटनी बना। नहीं नहीं, मजाक कर रही थी आपके साथ। इसको अभी हम कूट लेंगे, प्याज को हम काट लेंगे, और ये जो है इसका जो है ना अभी सरप्राइज है कि ये कब हमने इस्तेमाल करने हैं, अभी थोड़ी बता देना। जो नए आने वाले हैं ना, वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। सेकंड, साथ में ये मसाले भी ले लें, और ये हमारा 2 kg कीमा। तो ये 2 kg कीमा के लिए हमारा तैयार हो चुका है, और अभी हम इसको काट लेंगे, इसका हम मसाला बना लेंगे, इसको हम काट लेंगे। ओके, आगे आओ, चलिए मेरा काम भी हो गया। और ये मैंने कोट लिया अभी लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, उनका मैंने पेस्ट बना लिया। साथ में 2 kg, फिर से बता रही हूँ, 2 kg कीमा के लिए 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच जो है ना दड़ा मिर्च, साथ में 1 चम्मच नमक, और 3 कटे हुए टमाटर, ठीक है ना, और ये थे 6 प्याज। ओके, ये भी हमने काट लिए, और हरी मिर्चें जो थी, लहसुन अदरक वो तो हसबे ज़ायका आप डालेंगे, और जो हरी मिर्च थी वो मुझे आपको पता ज़्यादा पसंद है, लाल मिर्च मैं कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने जो लाल मिर्च है ना वो मैंने 12 से 14 डाली। और हाँ सर, ये भी आपको बता दूँ, सूखा धनिया भी 1 चम्मच, वो भी इसके साथ मैंने कुट लिया है। मुंडिया राजी रह जा गुस्से तेरी माँ खड़क होने में। हाँ चले, ठीक है। अब ये आप कुकर में भी बनाती हैं हमारी बहन बेटियाँ, माएँ, भाभियाँ, तो कुकर की बजाय अगर आप थोड़ी सी मेहनत लगा के थोड़ी की देर चूल्हे पे खड़े हो जाएं और सर पे खड़े हो के बनाएं, तो फिर ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये हमने डाल दिया जी कीमा, ये हमारे आगे जी प्याज चाचू, और ये आगे हमारे सारे मसाले और टमाटर। वाह, कितनी प्यारी लुक आई थी, है ना, ये तो वैसे मुझे बहुत पसंद है। साथ में पिसा और कुटा हुआ मसाला हम डालेंगे, अभी मैं सुगड़ बनती हूँ, क्या सुगड़, थोड़ा सा पानी डाल के ना एंड विच ने रैंड देना मसाला पूरा भी सारा चूस लवानगी, है ना। ओके हो गया जी, ये यहाँ से आप सब साथ साथ जो मैंने सफाई का भी ख्याल रखे, क्योंकि गुना का पता लगता है ना कितने गुना वाली है। ये हमने चूल्हा जला लिया, मीडियम फ्लेम पे रखना, चूल्हा जला लिया हमने, ये लिया, और अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं, पानी डालना है,
ऐसे नहीं रख देना। अच्छा पानी ये मुझे और दे दे, पानी प्लीज हेल्प मी। ये देखें इतना इसको गोते दे देने हैं। मेरा मतलब कि कीवे को डुबो देना है पानी के अंदर, और अभी कुछ नहीं करने का, कोई आपकी मेहनत नहीं लगने का, बस ये ढक्कन ऊपर से दे के यहाँ रख के। और ये देखें आपने नॉर्मल फ्लेम पे रख देना है, ठीक है ना। आग हल्की थोड़ी सी रखनी, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। ये तो बताएं कि वो कैसी लग रही है। टिकटॉक तो देख लेंगे आप इस पे फौरन से, लेकिन यूट्यूब पता नहीं कब अपलोड होगी, जुड़े रहे। और ये तो अभी बाकी है, अभी बताऊंगी बाद में। अच्छा अभी बता दूँ, एंड तक देखना, फिर पता चलेगा ये कब मैंने और कैसे इस्तेमाल करना है। ये कोयला जला कर राख कर दूंगी कोयले से। मिलते हैं अभी 1 मिनट बाद। हाय खुल जा सिम सिम, हाय खुल जा सिम सिम, हाय खुल जा सिम सिम। इनके ऊपर वाले नहीं ना लगाए, इसलिए ये मुश्किल हो रहा है मुझे। देख लो फ्रेंड्स, ये मेरा हाथ जलवाएंगे। देखे जी माशाल्लाह, पानी हमारा ड्राई हो चुका है। ये देख अब कीमे, ओ कोयले का भी तो किरदार है ना। चूल्हा जला लिया है, अब इसके ऊपर हम कोयला रख देंगे। कोयला अब गर्म होता रहेगा, इधर से हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। ओके इसके ऑयल डालकर, ये वाली देख रहे हैं ना आप, ये मैंने इसमें 3 डाल ली है। उधर से हमारा कोयला भी तैयार हो जाएगा, इधर से हम इसकी भुनाई भी करेंगे। घी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, जितना आपको बेहतर लगे। और आंच हम हल्की कर लेंगे। ताकि हमारी अच्छे से बुनाई हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही बेस्ट है ना हमारी गाइस, बुनाई हो चुकी है। और गरम मसाला वगैरह मैं नहीं डालती इसमें, सबका अपना अपना टेस्ट होता है यू नो। और इसमें जो है ना मैं सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच डालूँगी बुनाई में। हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि इस्तेमाल करनी चाहिए। कलमुंजी ये 1/2 चम्मच डाल लें तकरीबन, ठीक है ना। आपको पता है ना कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है इसमें। कलमुंजी भी डालनी चाहिए, इससे लुक भी अच्छी आती है। अब इसके लिए भी थोड़ा सा भून लूँगी, ठीक है। अब देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ गई है, अभी फाइनल नहीं है। कलमुंजी भी और ज़ीरा भी और सारा ये कीमे की बुनाई हो गई है। ओके अब इसमें हम 4 अदद कटे हुए टमाटर और 4 अदद प्याज छोटे काटे हुए, ऊपर हरी मिर्च 3। इसके साथ हम थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि ये बिल्कुल मिक्स नहीं होने चाहिए, बस थोड़े से नरम हो जाए, मतलब जो इनकी अकड़ है ना वो मर जाए। प्याज की और टमाटर थोड़े लूज हो जाए, फिगर लूज कर ले अपना, जो एक अकड़ होती है ना वो ना रहे। फ्रेंड्स वैसे इतनी गर्मी में किचन में काम करना औरतों का, मैं कहती हूँ उनकी मेहनत को सलाम है। और दूसरा ये कि इतनी गर्मी में इतने बड़े बड़े एयरिंग पहन के किचन में काम करना, ये तो दुल्हनों को भी सलाम है। और मैं आपको बताती जाऊँ सही असल वजह वजह क्या थी इतने बड़े झुमके पहनने की, कि मैंने जो है ना कहा मुझे छोटे एयरिंग दे दो, कोई टॉप जैसे टॉपर्स होते हैं वैसे वाइट ना नॉर्मल,
तो इन्होंने क्या किया कि कह रहे कि वो पता नहीं किधर है, मिल नहीं रहे, वो दूसरे रूम में होंगे, उधर लॉक लगा, इधर वो बाजार गए, चाबी उसके पास है, ये वो। अच्छा मैंने कहा जो है ना बस वही दे दो। इन्होंने फिर ये दी मजबूरी के लिए। और मुझे मेरी दोस्त कह रही है सवेरे कि तुम दुल दुल बन के कहाँ जाना चाहती हो। मैंने कहा कहीं नहीं जाना, मैंने किचन में जाना है। टाइम हो चुका है माशाल्लाह। ये देखें आप, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हम जगह बनाएंगे, मिड में जगह बनाकर हम इसमें जो है ना प्यारा प्यारा सा धनिया धुला हुआ साइडों पे सारा डाल देंगे। धनिये का अहम किरदार होता है, पता नहीं लोग क्यों नहीं डालते, क्या इनको मसला है, इनको डालना चाहिए धनिया। फ्रेंड्स एक हाथ में ढकना होना चाहिए, ये अहम किरदार है अभी जो हम करने लगे हैं। ओके एक हाथ में हमारे ढक्कन है, दूसरे हाथ में हमारे कोयला है, और कोयला हम ये मिड में रखेंगे और ये हम ऊपर ढक्कन दे देंगे, धुआं बाहर नहीं निकलने देंगे। नहीं निकलने देंगे हम, और चूल्हा हम कर देंगे बंद, और ये भी करो बंद, गर्मी बहुत है, क्या हो गया आपको, धुआं नहीं निकल करके रखना है। हट जी हट जमा। कितनी लेविश, कितनी डैशी और कितनी प्यारी लुक आ रही है हमारे दम वाले कीमे की, आई मीन कोयले वाले कीमे की। तो ऐसे हम कोयले, अब जो है कोयला जो है ना बाहर निकाल लेंगे, पहले जो इसका छोटा सा वैसे गिरते तो नहीं है, जर्रा वगैरह कोई गिरे ना, वो भी ऐसे जरा वगैरह वैसे गिरता तो नहीं है, वो भी ऐसे निकाल लेने। ये देखिए हमारा बीच में जो प्याज और टमाटर हमने लास्ट में डाले हैं ना, वो ऐसे खड़े खड़े बीच में होंगे तो अच्छे लगेंगे। अब देखेंगे फाइनल लुक इसकी ये है, कैसा लगी लुक आपको लाजमी बताइएगा। टाइम बहुत हो चुका है और इंतज़ार नहीं करवाते हम मेहमानों को। मेरे मामू का बेटा आया हुआ है और मैंने कहा चलिए आज ये बनाते हैं, और वो सऊदीया में होता है, वो भी बड़ा अच्छा कुक है। आपको पता है परदेसी जितने भी है परदेस में रह के वो बनाना सीख जाते हैं खाना, तो वो खुद भी बहुत अच्छे खाने बनाते हैं, उसके खाने की बड़ी तारीफें सुनी है, इसलिए फिर मैंने कहा चलिए थोड़ा सा मैं भी सेपरेट कुछ चीज़ को अलग से कुछ बना कर खिला। बात सुनो अब मैं भी तो थोड़ा खाऊँ ना, बाद में उनको भी खिला दूंगी। की बदमाशी है। अरे खाली आ खाने देना, मेरे लेविश खाली आ। परी की बदमाशी है। ये गुल्लो खास तौर पे उस्ताद के लिए वर्ल्ड। गुल्लो की बदमाशी है, और ये रीमा के लिए, लव यू रीमा, सरगोधा से हैं रीमा जी, तो ये उनके वर्ल्ड हैं। इतने बिल्कुल भी नहीं उस किसके दे करा हैं? गए उन्दे हैं उन्दे पर ऐसी बिल्कुल वीडियो से निकल आ गया अच्छा खबरदार। हाँ हाँ क्यों खबरदार, तुम भी सुन लो और तुम भी सुन से लो, लाजमी कहीं आप भी सुन लो, आज मुझे खबरदार कर रोका दो। तुम जल्दी जल्दी कैमरा बंद करके आटा गूंद लो और मेरी रोटी की तैयारी कर दो स्पेशल से। और ये घर पर रेमेडी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बहुत लजीज है। और इसके साथ हमें इजाज़त दें, और जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।